हाय एवरीवन, वेलकम टू करण क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मैराथन सीरीज। मैराथन सीरीज में करंटली हमारा यूनिट 5 रहता है। 4 यूनिट्स के मैराथन प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। इस मैराथन के बाद मैं 5 यूनिट का एमसीक्यू वाला वीडियो भी लेके आऊंगी एंड उसके बाद वील मूव ऑन टू स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स का जो पीडीएफ है एंड उसके आई गेस एक वीडियो जो है एमसीक्यूज का वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी मेरी चैनल पे। या अगर पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके जेकेएसएसबी एग्जाम के। करंटली मैंने सुपरवाइजर एग्जाम जो है उसका कोर्स आपका करवाया हुआ है, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो स्पेशलाइजेशन मैंने सारा सिलेबस कवर करवाया है, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आप मेरी वीडियो इसमें देख सकते हैं मेरी चैनल पे। प्लस अभी करंटली हमारा मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है। ठीक है, और हमारी एमसीक्यू सीरीज भी मैं साथ साथ करवा रही हूँ, जिसमें हमारे 4 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उस पर भी एक पर वीडियो पर यूनिट जो है वो लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हैं या आप स्टेट और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी आपके लिए चैनल बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस पे मैं सोशोलॉजी सेपरेटली ऑप्शनल भी प्रिपेयर करवा रही हूँ, जिसमें करंटली हम नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी जो है उसके वीडियोज अभी करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड पेपर बी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आने वाले टाइम में मैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड वीडियोज, ठीक है, आपके केएस एग्जाम के एंड यूपीएससी के, प्लस आपका जो नेट की प्रिपरेशन है उसके वीडियोज भी इस चैनल पे लाऊंगी। एंड हमारा सुपरवाइजर में हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं और आने वाले एग्जाम जैसे एनटी एग्जाम, कॉन्स्टेबल एग्जाम, उसके सिलेबस की चीजें भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जरूर इस चैनल को रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को। ठीक है, सिंस आपको यहाँ पे सब कुछ अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो सिंस दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा हार्ट के अंदर डॉलर साइन, या चाहें तो आप वॉलेंटरीली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए मेरा यूपीआई आईडी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या आप उसको मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन मेरी चैनल के बारे में, जो देना जरूरी होता है हर वीडियो से पहले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। 5th यूनिट हमारा लेक्चर 39 से स्टार्ट होता है, तो मैंने लेक्चर भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है फॉर योर रेफरेंस। अगर कोई पॉइंट आप चाहें दोबारा डिटेल में देखने के लिए तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। ये क्विक एक मैराथन कम रिवीजन वीडियो जो है वो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ हम किसी भी चीज को बोलते हैं जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकें, क्वांटिटेटिव चेंज जिसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वेट 75 kg था, ठीक है, अब उसका वेट 80 kg हो गया है, तो 5 kg उसमें इंक्रीज आया है, ये चेंज जो है इसको आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो ये ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज, जो क्वालिटी में चेंज आएगा, ठीक है, उसको आप ऐसे करके मेजर करना जो होता है, आप कर भी सकते हो कुछ चीजों का, बट यूजुअली आप उन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, वो मेजरेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के कैरेक्टर में कुछ चेंज आती है, ठीक है, कोई किसी के इंटेलेक्ट में कोई चेंज आ गई, कोई इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट वाली होंगी। अगर आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, ठीक है, वो सारी चीजें किससे रिलेटेड होंगी? आपकी ग्रोथ से। तो इनको बोला जा सकता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में जो चेंजेस आई हैं, आपकी बॉडी की चेंजेस जो आप देख सकोगे, फाइन, वो आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगी। एंड डेवलप, इसके कॉन्ट्रास्ट में डेवलपमेंट क्या होता है? जो ओवरऑल चेंज होती है इंडिविजुअल में, ठीक है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, उसमें फिजिकल चेंज भी आ गई, ठीक है, एंड आपके कग्नेटिव चेंज भी आते हैं। कग्नेटिव क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल या इमोशनल चेंज आती है। तो ओवरऑल चेंजेस, ये एक ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। अब देखो, इसमें हम यूजुअली क्या बोलते हैं डेवलपमेंट में, यहाँ पे टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी का क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट में एक चीज होती है जिसको मैच्योरेशन बोलते हैं, ठीक है, तो मैच्योरेशन क्या होता है? दिस इज योर बायोलॉजिकल ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ का भी आस्पेक्ट आता है, बायोलॉजिकल ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आती है मैच्योरेशन में? आपकी फिजिकल चेंजेस, ठीक, कॉग्निटिव चेंजेस, इमोशनल चेंज, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, सोशल चेंज, फाइन। तो
मैच्यूरेशन क्या होता है, मैंने आपको बोला मैच्यूरेशन में बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों चीजें होती है। तो पहली हम चीज बोलते हैं मैच्यूरेशन में फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है, किसी की हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ठीक है। जैसे जब आप टीन एज में जाते हो तो लड़कियों का अलग फिजियोलॉजिकल या बॉडी की चेंजेस अलग हो जाती हैं लड़कियों की, एंड लड़कों की अलग होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चेंजेस भी जो है वो मैच्यूरेशन में इंक्लूडेड होती है, और मैच्यूरेशन जो है वो किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का, ठीक। तो आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, उसके अंडर आपका ये ग्रोथ वाला एस्पेक्ट भी आता है। कॉग्निटिव चेंजेस हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस होती है ना, जैसे हम थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में होते हैं तो हमारे दिमाग जो होता है, हमारी इंटेलिजेंस एक लेवल की होगी। फिर हम सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में हो जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। इमोशनली हम स्ट्रांग हो जाते हैं विद एज। सोशल चेंज आती है, बचपन में हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है, तब हम किस बेसिस पे अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं वो रीजन अलग होता है। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हमारा फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, और जितना हम मच्योर हो जाते हैं फ्रेंड सर्कल हमारा उतना छोटा होता जाता है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, आपके मच्योरेशन से, ठीक है। यहाँ पे चेंज क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। ये डज नॉट कंटिन्यू थ्रू ऑफ लाइफ, ग्रोथ पूरी लाइफ नहीं बढ़ती रहती। आपकी हाइट एक बार इंक्रीज हो गई, ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई, उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन डेवलपमेंट आपकी सोशलाइजेशन की तरह पूरी जिंदगी होती रहती है, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बोली जो मेडिटेशन में आती है, इन सब चीजों में आप कहीं ना कहीं चेंजेस जो है थ्रू आउट योर लाइफ नोटिस करते रहोगे। ये अकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स मतलब हम बेसिकली सेल्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो सेल्स मल्टीप्लाई होती है, हमारी ग्रोथ अकॉर्डिंगली होती है, तो ये उसका बायोलॉजिकल वाला एस्पेक्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है डेवलपमेंट में, बोथ ड्यू टू मैच्यूरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। मैच्यूरेशन मैंने आपको बोला, जिसमें आपका फिजिकल चेंज आता है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल चेंज, एंड इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, ये आपका लर्निंग वाला पार्ट है कि आपकी सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। आसपास की जो चीजें हो रही हैं आप उसे सीखते हो, इंटरैक्ट करते हो। ग्रोथ सेल्यूलर है, अगेन वही मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। एंड जो डेवलपमेंटल डेवलपमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल है, ये एक ऑर्गेनाइज वे में होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी एज में आप कोई एक माइलस्टोन अचीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ तक क्या करते हो, आप क्रॉल करना सीखते हो। फिर जब आप बड़े हो जाते हो थोड़ा, 1 साल के बाद आप थोड़ी बहुत बात करना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइज वे में आपकी डेवलपमेंट होती है। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसा मैंने आपको बोला मैच्यूरेशन में स्टार्टिंग में क्या आता है, बायोलॉजिकल ग्रोथ। तो जो आप बोल सकते हो ग्रोथ क्या है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंटल प्रोसेस। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। तो यहाँ पे अगर आपका ग्रोथ है, ये मान लो ग्रोथ, तो ये आपका डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में ये ग्रोथ भी है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी हैं, कॉग्निटिव, आपका इमोशनल एंड आपका सोशल वगैरह। ये स्ट्रक्चरल है एंड एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपका चेंज हो रहा है एंड एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, क्योंकि विजिबल है आपको। एंड ये फंक्शनल प्रोसेस है, ये ज्यादा फंक्शनिंग की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे का फंक्शन क्यों, क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ी बहुत बात करना चाहिए, ही शुड बी एबल टू वॉक, ठीक है। ऑल्दो कई बच्चे जो है ये माइलस्टोन्स अचीव करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही है हर बच्चे को, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू यहाँ पे दिया जाता है। फिर 2 से 3 साल तक क्या फंक्शन है कि उस एज में बच्चा क्या क्या करना चाहिए, कि उस एज के 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए जो डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, क्या वो बच्चा उन डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड्स पे, माने मतलब कि उन माइलस्टोन्स पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीजें आपको कौन बताती है, डेवलपमेंट। फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, हेरिडिटी, ठीक है, हमारा अक्रॉस जनरेशन हमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कौन सी अच्छी चीज़ मिली है, किसके कौन सी बीमारियां मिली हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हेरिडिटी में आती हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, एनवायरमेंट, सीजन, इमोशंस पे, डिजीजेस पे, ग्रोथ पोटेंशियल किसमें कितना है, तो ये सारी जो है जेनरिक से क्वेश्चन हैं। अगर फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई MCQ आता है तो, एंड उसके 3-4 ऑप्शंस होंगे, यूजुअली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि ये काफी जेनरिक सी इसमें बातें होती हैं, जनरल बातें, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। स्पेसिफिक अब ये है, ये देख लो, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, 0 to 2 years कौन सी स्टेज होती है, इन्फेंसी वाली स्टेज, एंड 0 to 2 week वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, नियोनेट। 0 to 2 year है यहाँ पे, ठीक है, ये इन्फेंट हो गया, एंड 0 to 2 week कौन हो गया आपका, नियोनेट। जैसे बच्चा अपना नियोनेट से इन्फेंसी वाले स्टेज की तरफ आना शुरू हो जाता है, उसमें जो अफेक्शन की नीड है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये जो अफेक्शन की नीड है, या ये हमें बच्चों में बहुत पहले से दी हुई है, चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, 2 महीने का बच्चा हो, उसके अंदर भी वो नीड होती है कि उसको भी वो अफेक्शन वगैरह चाहिए। एंड मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि इन स्टेजेस में अगर आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उसका असर जो है आप अपने लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, अपने यंग अडल्टहुड में, ठीक है, देखना शुरू करते हो। 9 to 10 मंथ का जो
जो बच्चा है उसमें थोड़े थोड़े जेलसी वाले फैक्टर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। 9-10 महीने के बच्चे के सामने अगर आप किसी दूसरे बच्चे को उठाओ गोदी में, उसको प्यार करना शुरू करो, तो वो स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ जेलसी, वो एक पूरी वेल डिफाइंड जेलसी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आपको देखने में मिलेगा। हो सकता है आपका बच्चा जो है वो रोना शुरू करे अगर वो देखे कि आप किसी और बच्चे को गोद में उठा रहे हो, ठीक है? तो वो स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ जेलसी वहां से देखना शुरू करते हैं। 10-12 मंथ बच्चों में ऐसी फीलिंग्स, एंगल, लव, सिंपथी एंड फ्रेंडलीनेस वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाती है। 3 मंथ ऑनवर्ड्स वो बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वही बैबलिंग मीन्स वो साउंड्स निकालना जो कोई एक कोहेरेंट स्पीच नहीं होती है। बाय 6 मंथ एक वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो है बच्चों में थोड़ा आना शुरू हो जाती है। इस स्टेज में मोटर एबिलिटी कैसे डेवलप होती है, हेड से डाउन टू टोज, ठीक है? पहले बच्चा अपना सर घुमाना, नेक वगैरह, उस पर कंट्रोल हो जाता शुरू हो जाता है, उसके बाद टांगों पे, ठीक है, एंड लास्ट में पैरों पे। एंड यहाँ से सेंट्रल से आउटवर्ड, पहले शोल्डर्स पे, फिर आर्म्स पे, यहाँ से एब्डोमेन हो गया, उसके बाद लेग्स एंड फीट। तो सेंट्रल से, सेंटर से बाहर की तरफ चलता है एंड हेड टू टो, ठीक है? तो ये दो अलग प्रोसीजर्स हैं, इनका नाम जो टर्म्स है वो आगे मेंशन है। जो न्यू बॉर्न है उसको स्वीट एंड सार टेस्ट की समझ जो है काफी पहले से पैदा होते ही बच्चे को हो जाती है कि स्वीट चीज क्या है, सार टेस्ट क्या है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बोलूंगी, जब बच्चे पैदा होते हैं उनको यूजुअली ड्रॉप दिया जाता है विटामिन D3 का, जो यहाँ पे मॉम्स है उनको पता होगा, ऑस्टर D3 बच्चों को देने को बोला जाता है। एंड उसके टेस्ट बच्चे को पसंद नहीं आता है वो टेस्ट, तो वो रोना शुरू करता है या मुंह से वो दवाई वापस निकालता है। वो निकालता है दैट मीन्स उसको उस टेस्ट की समझ है, ठीक है? तो ये चीज प्रैक्टिकल है। फाइन, जो टेस्ट है मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑफ ऑल सेंसेस एट बर्थ होता है बच्चों का। डिफरेंट स्मेल विद इन 2 आवर्स वो पहचानना शुरू हो जाते हैं। साउंड सम इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, सम फ्यू डेज। कुछ बच्चे बहुत पहले से ही साउंड को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ दिनों के बाद करते हैं। अगर आपने न्यू बॉर्न देखा होगा, उसके सामने अगर जैसे प्रेशर कुकर की विसल हो जाए, आप अलमारी का दरवाजा जोर से पटको, तो थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट आपको बच्चे में देखने को मिलेगी। दैट मीन्स वो साउंड को रिएक्शन अपना देगा, क्योंकि वो साउंड समझ रहा है। तो स्वीट एंड सार टेस्ट हो गया, स्मेल, साउंड हो गया, ये आपको पैदा होते ही बच्चों में देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। बाय 6 मंथ वो कलर, शेप और फेसेस वगैरह पहचानता है, उसको पेरेंट्स वर्सेस स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पेरेंट्स ही जरूरी नहीं है, केयर गिवर्स होते हैं, कोई अगर किसी को बेबी सिटर है किसी का, या किसी का कोई गार्डियन है, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो बच्चे के साथ ज्यादा क्लोज होते हैं हर टाइम, तो बच्चा उनका चेहरा जो है वो पहचानता है। फाइन, उनको बुलाएगा नहीं कि आप वो हो, क्योंकि अभी तक उसने बातें शुरू नहीं की हैं, लेकिन उनके साथ वो अगर रो रहा होगा वो उसको उठाएंगे तो वो चुप हो जाएगा, ठीक है? तो एक नेचुरल अफेक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई होती है। बाय 12 मंथ्स 30-50 वर्ड्स अप्रॉक्स वो बोलना शुरू करते हैं, एंड बाय 18 मंथ्स 400 वर्ड्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली शुरू कर देते हैं। अब ये कोई फाइनल रूल नहीं है कि इतना ही करना है, ये वैरी करता है ऑब्वियसली, ये बस एक जनरल आपको पिक्चर दी हुई है कि इतना तक इसके आसपास वर्ड्स वो बोलना शुरू कर देगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल वाला टाइम आ गया, 2-6 ईयर्स। इसमें पॉजिटिव इमोशंस बच्चा दिखाता है, लव, अफेक्शन, लव फॉर स्टफ्ड एनिमल्स। जिनके बच्चे होंगे घरों में इस एज के, उनको पता होगा स्टफ्ड टॉयज वगैरह के साथ आपके जो बच्चों का लगाव है इस एज में काफी ज्यादा हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, ड्रॉइंग इन्फरेंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कंक्लूजन ड्रॉ करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो बच्चों में केपेबिलिटीज हैं ये इस एज में कहीं ना कहीं आपको बच्चों में देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाय 6 ईयर्स डेवलप्ड अ सेट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है बाय 6 ईयर्स बच्चों में आना शुरू हो गए होते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है बाय 3 और 4 ईयर्स बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, 3 ईयर्स और 7 ईयर समथिंग लाइक दिस, की ब्रेन डेवलपमेंट पूरी हो जाती है। तो अगर हमें ऐसा लगता है तो छोटा बच्चा, इसको समझ में नहीं आएगा और हम बच्चों की जो क्वेश्चन है उनको आंसर नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है इंसान की, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है इस एज में बच्चों की काफी अच्छे से हो रही होती है। तो यू विल बी अमेज्ड कि बच्चे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आपको बस बच्चों को हैंडल करना आएगा एंड उनको, उनके साथ आप पेशेंस रखोगे, उनको साथ साथ चीजें समझाते रहोगे। लैंग्वेज इस एज में डेवलप होती है, ठीक है? मेल फीमेल कैटेगराइज ट्राई टू फिट, बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज की रियलाइजेशन, मेल फीमेल जेंडर कैटेगरी ये हो जाती है कि मेल अलग है फीमेल अलग है। एंड कहीं ना कहीं यही वो एज है जिसमें जो बॉयज है उनको कार्स वगैरह अगर आप ज्यादा दो तो बच्चों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है, गर्ल्स का टॉयज वगैरह की तरफ। कि ऑल दो अभी चीज नेचुरल भी है, मैंने अपने बेटे में देखा है कि ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उसको टॉयज कार्स ही दी गई स्टार्टिंग से ही, पर बच्चे का नेचुरल लगाव ऐसा था कि उसको कार्स ही पसंद थी, ठीक है? तो ये इस एज में होता है।
फिर लेटर चाइल्डहुड इज 6 to 12 ईयर्स, इसमें जो फिजिकल ग्रोथ है इनिशियली स्लो होती है एंड वास्ट इंटेलेक्चुअल मॉरल सोशल डेवलपमेंट इस एज में होती है. तो आपका दिमाग जो है और बढ़ रहा है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है मॉरली सोशली, ठीक है, अवेयर हो रहे हो आप, डेवलप हो रहे हो. अराउंड 7 जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है. तभी मैंने कहा शायद 7 ईयर्स तक जो है ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चे की पूरी हो जाती है. मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी स्टेज में काफी अच्छे से होती है. जीन पियाजे ने इसको क्या बोला है, कंक्रीट ऑपरेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. ग्रोथ जो है स्ट्रेंथ स्पीड कोऑर्डिनेशन बच्चों को इन सब चीजों का इस स्टेज में पता चलना शुरू हो जाता है. एथलेटिक एबिलिटी बच्चों में आ जाती है, जैसे इस एज के बच्चे आप देखोगे दीवारें चढ़ रहे हैं, पेड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है. तो बच्चों में ये सारी चीजें स्ट्रेंथ वगैरह, एथलेटिक एबिलिटी और आपकी कोऑर्डिनेशन वगैरह, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इस स्टेज में अच्छे से डेवलप हो जाती है बच्चे की, ठीक है. तो जो जीन प्याजे वाले हैं ये मैंने आपको पहले, हमने इसमें भी एक्सप्लेन किया है, ये मैराथन सीरीज में भी एंड ये लेक्चर्स में भी है, इसकी पूरी जो डेवलपमेंटल ये है जीन प्याजे ने क्या कहा था वो आपको मिल जाएगा. अडोलसेंस 12 to 18 ये आपकी टीनेज होगी, जिसको सबसे खतरनाक स्टेज बोला जाता है. इसमें आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोनल इम्बैलेंस होने का बहुत ही होता है, हॉर्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं इस स्टेज में, ठीक है. तो ट्रांजिशन होता है बच्चे से आप अडल्ट हो जाते हो, ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, बॉडी आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग चेंज हो रही होती है, फिजिकली आप अलग हो रहे होते हैं, सोशल कॉग्निटिव, ठीक है. तो सारी चेंजेस आपको इस स्टेज में देखने को मिलेंगी. फिर यंग अडल्टहुड हो गया 18 to 40, ये वही हो गया जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अभी मेरे भी इस कैटेगरी के, जो अभी पढ़ रहे होंगे उनके अंदर गोल्स होते हैं, एस्पिरेशन होते हैं कि लाइफ में कुछ करना है. तो शी ही जो थे उन्होंने कहा था इसको टाइम 20s, ठीक है, इस स्टेज को. और जो अर्ली 30s वाला टाइम आता है ये री असेसिंग वाला टाइम होता है कि मैंने अभी तक क्या किया. करियर वाइज मोस्टली बच्चा री असेस करता है अपने सारे अभी तक के डिसीजन एंड ऑल को. तो ये सब इस स्टेज में यंग अडल्टहुड में होता है. मच्योर अडल्टहुड इज 40 to 65. अब ये सेंस ऑफ अपरूटिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग 40s, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्योंकि अब इंसान में अब बच्चा तो नहीं रहा, खैर अडल्ट है, मेच्योर अडल्ट है, तो अब उसमें क्या हो रहा है, मिड लाइफ ट्रांजिशन आ रहा है, मिड लाइफ क्राइसिस इसको बोलते हैं. अब उसमें थोड़ा बहुत उसको अपनी एजिंग जो है वो दिख रही है. अब बायोलॉजिकल फंक्शनिंग भी सही से काम नहीं कर रही है, स्टमक सही नहीं है इंसान का, स्ट्रेंथ सही नहीं है, बोन्स भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. तो वो लॉस ऑफ यूथ, जवानी भी खत्म होगी, ओल्ड एज आ गई, ठीक है. और तुम्हें क्या होता है मेनोपॉज वाली स्टेज है तो हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा होती हैं. तो यही ये वो वाली स्टेज है जब यूजुअली इंसान जो है वो थोड़ा बहुत इन चीजों को लेके अपसेट हो जाता है. एज अडल्टहुड हो गया, लॉस ऑफ वाइटिलिटी की बिल्कुल, अब स्ट्रेंथ वगैरह आपकी खत्म होगी, आपकी नहीं मतलब जो स्टेज में होगा, हेल्थ कंसर्न काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ये ओवर 65 वाली स्टेज है, ठीक है. एंड फाइनली फिर डेथ. प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है, कॉन्टिन्यूटी की, ऐसा नहीं है एक स्टेज में आ गया बच्चा फॉर, अब बच्चे के एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि समझने में आसान हो जाता है एंड समझाने में भी आसान हो जाता है. कॉन्टिन्यूटी होती है, डेवलपमेंट चलती जाती है, ऐसा नहीं है एक बार ही होगी एक चीज, बच्चे ने एक चीज सीखी, बच्चे ने बात करना लैंग्वेज सीख लिया तो आगे और कुछ नहीं सीखेगा. तो लैंग्वेज में अब क्या होगा, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखेगा, ठीक है. तो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो गई, पहले घर में हो सकता है उर्दू बोलना सीखे, फिर स्कूल में इंग्लिश बोलना सीखे, ग्रैंड पेरेंट्स का कश्मीरी बोलना सीखे, ठीक है. तो ऐसे जो डेवलपमेंट है ये चलती जाएगी. फिर कल को अगर कॉलेज चला गया, वहां पे साउथ इंडियंस के साथ ये हुआ, उसका इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, तो साउथ की लैंग्वेजेस सीखेंगे. तो ऐसे डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी, सीक्वेंशियलिटी सारा सीक्वेंस में चलेगा. अब छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है उससे हम एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, क्योंकि वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज में आना पड़ेगा. तो ये सारा एक सीक्वेंस में चलेगा. जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी होता है, जनरल से स्पेसिफिक हो जाती है चीजें. ये अगेन अगर हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करें, जैसे बच्चा अगर हाथ पैर मारता है पहले जनरली हाथ पैर मारेगा, वो ग्रैब नहीं कर सकेगा, ठीक है. उसके बाद स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है, फिर वो फिंगर से कोई एक पर्टिकुलर चीज पिक करता है, तो जनरल से वो स्पेसिफिक की तरफ आता है. डिफरेंशियलिटी होती है, अगेन वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी सही रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट होती है. अगर डिफरेंट जेंडर्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होगी. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लड़कों का नेचुरल इंक्लिनेशन कार्स की तरफ होता है, लड़कियों का टॉयज की तरफ, डॉल्स की तरफ होता है, ठीक है. तो ये जेंडर भी डिफरेंसेस होंगे, या हर स्टेज में हर माइलस्टोन अलग होता है कि 0 to 2 के माइलस्टोन्स अलग होंगे, फिर 2 to 3 ईयर्स के बच्चे के माइलस्टोन्स अलग होंगे, तो वहां पे भी डिफरेंशियलिटी देखने को मिलेगी. मैच्योरेशन लर्निंग मैंने आपको बोला, मैच्योरेशन अगेन फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल सोशल चेंजेस जो बच्चे में आती है, लर्निंग वो कैसे आती है, अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करके. प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे हमें पता है कि अगर न्यू बॉर्न है तो हमें पता होगा कि उसका बिहेवियर कैसा है. हम एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि न्यू बॉर्न है क्रॉल क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है. तो उनका हमें डेवलपमेंट जो है वो प्रेडिक्टेबल होती है.
जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो क्रिटिकल देन है, क्रिटिकल होती है देन लेटर डेवलपमेंट। ये मैंने आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ाया कि अर्ली डेवलपमेंट कितनी जरूरी है। अगर सही से नहीं होगी आपकी छोटी एज की डेवलपमेंट किसी में सही से नहीं होती है, तो जब वो टीन एज में पहुंच जाते हैं या एडल्ट बन जाते हैं, मच्योर अडल्ट बन जाते हैं, तो उसके जो ये है कॉन्सिक्वेंसेज है उनको लेटर स्टेज में देखने को मिलते हैं बाद में। डेवलपमेंट हैज पोटेंशियल हैजार्ड्स, ठीक है। डेवलपमेंट सही से नहीं हुई, जैसे अगर सही से बात नहीं किया अपने वाले एज ग्रुप में, तो हो सकता है बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए, ठीक है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहे अगर बचपन में जो डेवलपमेंट है सही से नहीं हुई हो, तो इसमें पोटेंशियल आपको हैजार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया। फिर हो गया टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स। फिजिकल डेवलपमेंट को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, एक होते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जो फिंगर्स और हैंड्स की जो मूवमेंट्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, आर्म्स एंड लेग्स की। जो इन्फेंट होता है वो सबसे पहले नेक एंड माउथ जो है उसको यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि नेक हिलाना भी पहले सीखता है बच्चा, एंड जो है बच्चा दूध भी बहुत पैदा होते ही दूध पीना शुरू कर देता है, जो सकिंग है वो बच्चा पैदा होते ही करता है, तो माउथ का यूज भी कौन करता है, एक न्यू बॉर्न। जो डेवलपमेंट होती है इसको हम दो नाम देते हैं, एक हो गया सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट एंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जो सेफेलोकॉडल डेवलपमेंट है वो डाउनवर्ड्स होती है, दैट मींस पहले बच्चा हेड एंड नेक जो है वो मूव करना शुरू करेगा, उसके बाद टांगे हिलाना शुरू करेगा, लास्ट में फीट एंड फीट के फिंगर्स। एंड प्रोक्सिमोडिस्टल होता है आउटवर्ड्स होती है, पहले शोल्डर्स हिलाना शुरू करेगा, उसके बाद आर्म्स जो है आर्म्स में कोई मूवमेंट, एक पर्टिकुलर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, एंड लास्ट में अपने फिंगर्स से बच्चा जो है चीजें वो ग्रैप करना शुरू करेगा। तो ये आउटवर्ड्स हो गया एंड ये डाउनवर्ड्स हो गया। इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या आती हैं, वो जीन पियाजे की थियोरी में हमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी डन इन सोशलाइजेशन थियोरीज। सोशल डेवलपमेंट ये भी हमने पढ़ा हुआ है एरिक एरिक्सन की थियोरी में। इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे जो बच्चा है उसमें कोई बेसिक इमोशन होते हैं फेयर, हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट के, बाद में एम्बेरसमेंट, प्राइड एंड एक जेलसी का एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है। तो वो हमें हर स्टेज में डिफरेंट देखने को मिलता है वो डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट ये हमने कोलबर्ग की थियोरी में, वी हैव ऑलरेडी डन इट, ठीक है। तो वो हैंड रिटन नोट्स में भी आई गेस होगा, अगर नहीं तो आप वो लेक्चर में भी देख सकते हो, कंपाइल्ड पीडीएफ में भी वो है। तो ये हो गया डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। अब लेक्चर फाइव में आते हैं, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है। तो पहले क्या देखते हैं, साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एक्शन ऑन आवर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, फाइन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, फूड जो है एंड उसके जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और उनका क्या असर होता है हमारे हेल्थ पे, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं कि फूड से हमें कैसा न्यूट्रिशन मिलता है। तो फूड को यूजली बोला जाता है कि मिक्सचर होता है न्यूट्रिएंट्स का एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स का। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं, या आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ये नाम सुने होंगे मैक्रो या माइक्रो। मैक्रो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी आपकी बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या आपके प्रोटीन्स हो गए एंड फैट्स हो गए, ठीक है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होती है बॉडी को, इसमें आपके विटामिन मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके क्या एक्ट करते हैं आपकी बॉडी पे एंड आपकी हेल्थ पे, वो बताता है कि आपका न्यूट्रिशन आपको कैसा मिल रहा है। तो फूड को बोला जाता है ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक। नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, फॉर एग्जाम्पल हम जो खाना खाते हैं उसमें फूड कलर वगैरह ऐसी सारी चीजें भी पड़ती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होगा, तो नॉन न्यूट्रिएंट चीजें होंगी, और फूड क्या है, इन सबका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अब फंक्शन ऑफ फूड देखते हैं, फूड के कुछ फंक्शन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन किससे रिलेटेड होंगे, जो आपके बॉडी से रिलेटेड होंगे, कि आपके बॉडी पे, आपके सिस्टम पे, ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है, क्या इम्पैक्ट डालता है फूड। तो वहां पे देखते हैं फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो एनर्जी कौन सा वाला न्यूट्रिएंट फूड में होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यहाँ से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है, जो फूड एनर्जी गिविंग फूड है वो कौन से होते हैं, ठीक है, उनको कैटेगराइज करो। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इनको बॉडी फ्यूल्स भी बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड को, ये बात आप याद रख लेना, ठीक। सेकेंड फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग का, तो क्या करते हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, जैसे आपकी मसल्स वगैरह बिल्ड करना, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, प्रोटीन। प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट काम है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। हमें पता है बॉडी में क्या है, सेल्यूलर होती है, ग्रोथ सेल्यूलर है, दैट मीन्स बॉडी इज कम्पोज ऑफ मेनी सेल्स, वो सेल्स जो है ग्रो करती है, फिर बाद में इंक्रीज होती है या वॉर्न आउट हो जाती है, फिर उनका रिपेयर करना होता है, वो सारा काम कौन करता है, आपका प्रोटीन। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन एंड फोर्थ वन इज रेगुलेशन।
प्रोटेक्शन होते हैं अगेन आपको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना, रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में कुछ चीजों की रेगुलेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे रेगुलेटर होना चाहिए, उससे अगर कम ज्यादा हुआ तो हमें क्या हो जाता है, फीवर होता है. ठीक है, जैसे आई थिंक 98.5 और 98.3 जो है एक स्टैंडर्ड माना जाता है, उससे ऊपर नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए. तो हार्ट कितने टाइम पे बीट करेगा, कितनी बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, तो ये सारा एक क्या चलता है, एक रेगुलेटरी फॉर्म में चलता है जो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड ये जो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन है ये कौन परफॉर्म करते हैं, विटामिंस मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, फिर सोशल फंक्शन ऑफ फूड भी होता है, जैसे सोशल गैदरिंग्स वगैरह, यहाँ पे इवेंट्स, जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है, फूड होता है. ठीक है, तो एक हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है सोसाइटीज की थ्रू दीज इवेंट्स. सेकेंडली जहाँ पे फूड होता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जैसे कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम है ये लाइंस कम हो जाती हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में किसी को नहीं पता होता किसी का नाम सरनेम वगैरह क्या है, तो सारे एक ही सेटिंग में बैठ के अपना खाना एंजॉय करते हैं. ठीक, एंड वन मोर थिंग, इस चीज से क्या हुआ, जैसे वेजिटेरियन होता है कोई नॉन वेजिटेरियन होता है वो भी, उनका भी एक मिक्सअप काइंड ऑफ थोड़ी टॉलरेंस जो है दूसरे के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार जो वेजिटेरियन है वो भी नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाके चाहे अपनी वेज डिश ही ऑर्डर करें लेकिन फ्रेंड्स के साथ नॉन वेज रेस्टोरेंट में चले जाते हैं. तो इससे क्या होता है, फूड से इसका ये भी एक फंक्शन है कि टॉलरेंस जो है आपस में सोसाइटीज की एंड लोगों की वो बढ़ती है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, साइकोलॉजिकल फंक्शन भी है फूड का. अगर देखा जाता है कभी मूड खराब होता है, ठीक है, तो ठीक हो जाता है अगर हम ऐसे कोई जंक फूड जो अदरवाइज हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर ऐसा एक मजा आता है खाने में. ठीक है, हमें पिज्जा खाने में मजा आता है ऑल्दो हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, हमें आइसक्रीम खाने में मजा आता है. तो कभी ऐसा होता है ना कि जनरली अगर आपका मूड खराब है, साइकी होती है इंसान की कि कुछ अच्छा खाओ तो मूड अच्छा हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, फंक्शंस ऑफ फूड में. अब थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं. एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन में फूड को क्या बोला जाता था, लाइफ गिवर. ठीक है, तो इसमें तीन कैटेगरीज में हम फूड को डिवाइड करते हैं. सात्विक फूड होता है जो इंक्रीज करता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एनर्जी, चेयरफुलनेस, फॉर एग्जाम्पल योर मिल्क. ठीक है, राजसिक फूड किसको बोलते हैं, जो स्टिमुलेट करता है पैशन एंड डिजायर फॉर लाइफ वगैरह. ठीक है, तो ये वो कौन से फूड्स होते हैं आपके, फिश, एग एंड मीट. तास्मिक फूड होते हैं स्टेल, जिनको बासी खाना बोलते हैं. वो कौन सा खाना होता है, वो खाना जो टेस्टलेस एंड इम्प्योर कंसिडर किया जाता है, दैट इज योर बीफ एंड पोर्क, एंड वो खाना जो बार बार रीहीट किया जाता है. तो आयुर्वेदिक ट्रेडिशन है ऐसा, उनमें माना जाता है कि अगर हम फूड को बार बार रीहीट करें तो वो तास्मिक हो जाता है, दैट मीन्स वो अब आपके लिए फ्रेश एंड प्योर नहीं रहता क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो है रीहीट करने से खत्म हो जाते हैं, जो कि एक फैक्ट भी है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं, साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा एंड ऑफ देयर एक्शंस. भी न्यूट्रिशन बेसिकली आपकी बॉडी तक पहुंचता कैसे है, उसके क्या एक स्टेप्स फॉलो होते हैं. पहले इंजेशन होती है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, फूड को स्वॉलो करते हैं. उसके बाद डाइजेशन होती है, वो कहाँ पे होगी, आपका फूड चला जाएगा स्टमक में, स्टमक से कहाँ पे जाता है, इंटेस्टीन्स. ठीक है, अब वहां से कहाँ जाएगा, एक्चुअली क्या होना होता है, वो जो आप भी फूड खाते हैं हम, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं पे ब्रेक डाउन होकर हमारे कहाँ पहुंचते हैं, ब्लड स्ट्रीम में. तो वो इंटेस्टीन से कहाँ पे जाते हैं, एब्जॉर्प्शन होना क्या होता है कि आपका जो उसका न्यूट्रिएंट है वो कहाँ पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम में जाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड ट्रैवल करता है तो ब्लड क्या करेगा, हर सेल में ले जाके उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा. फाइन, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन हो गया. उसके बाद जो भी हमने खाना खाया और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिला, उससे बॉडी की को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड होगी, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो कहाँ पे जाता है, उसको हम बाद में एक्सक्रीट करते हैं. ठीक है, तो वो क्या लास्ट आपका एंड रिजल्ट इसका एक्सक्रीशन. एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है मैंने कहा माइक्रो होते हैं एंड मैक्रो होते हैं. मैक्रो इज योर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, एंड माइक्रो इज योर मिनरल्स जैसे आयोडीन आयरन कैल्शियम वगैरह. एंड न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन आते हैं एंड वाटर. ठीक, और एक चीज जो हमने यहाँ पे देखी थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है लेक्चर में, रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस. ठीक है, तो रिकमेंडेड डायट्री अलाउंसेस क्या होते हैं, आपका जो रिक्वायर्ड फूड होता है, कितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, अब देखो हम जो खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी दिन फास्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है फास्ट के दिन हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा होता है. हमारा जो रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस है RDA, उसमें हमने एक हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट जो है फूड वो खाया है, प्लस हमने कुछ एक्स्ट्रा भी खाया है जो जमा हो जाएगा, जो हमें उन टाइम पे न्यूट्रिशन देगा जब हम फूड इंटेक नहीं कर सकेंगे. जैसे कोई बीमार हो गया, फीवर हो जाता है, जुकाम होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अपना जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाया होता है,
जो हमारी बॉडी को उन टाइम्स पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होती है, आपका रिक्वायर्ड जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है प्लस एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी याद रख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर आ गया हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है, ये आपका फिजिकल वेलबींग भी है, मेंटल वेलबींग भी है, सोशल वेलबींग भी है। तो आपकी हेल्थ एंड फिटनेस सिर्फ फिजिकली आप फिट हो कि नहीं सिर्फ वो डिटरमिन नहीं करता है, सोशली आप कितने अच्छे हो आपका सोशल वेलबींग भी जो है वो डिटरमिन करेगा आपका हेल्थ एंड फिटनेस, एंड आपका मेंटल वेलबींग भी, आपका जो दिमाग वगैरह है सारा सही से जा रहा है कि नहीं, इन शॉर्ट, ठीक है। फिजिकल फिटनेस जो है दो तरीकों के हम इसको डिवाइड करते हैं, एक आपकी जनरल फिटनेस है एंड एक आपकी स्पेसिफिक फिटनेस है, ठीक है। तो जनरल फिटनेस होती है जनरली अगर कोई भी हम काम करते हैं हम वो काम करने के लिए कितने फिट हैं, एंड स्पेसिफिक फिटनेस होती है जो टास्क ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा कि 100 किलोमीटर जो है रेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, 100 ज्यादा हो गया ना, 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए आपकी फिटनेस कितनी है वो होता है स्पेसिफिक फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को हम दो में डिवाइड करते हैं। एंड जो फिटनेस है जनरली उसकी 5 कैटेगरीज होती है, एक हो गया आपका एरोबिक फिटनेस, मस्क्यूलर स्ट्रेंथ, मस्क्यूलर एंड्यूरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। एरोबिक फिटनेस क्या होता है, देखो अगर हम स्विमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमें सांस नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके जो लंग्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप कर रहा है ब्लड की नहीं, तो ऐसा नहीं है थोड़ा सांस फूले और आपकी फंक्शनिंग और किसी इंसान की फंक्शन ही रुक जाए पूरी बॉडी की, वो कोई काम ही ना कर पाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप में एरोबिक फिटनेस नहीं है। अगर थोड़ी बहुत सांस फूलने के बाद भी आप सही से काम कर पा रहे हो दैट मीन्स एरोबिक फिटनेस आपकी ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है जिसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व होती है, वैसा काम जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं डंबल्स, वेट ट्रेनिंग हम करते हैं ना, तो उस चीज के लिए आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। मस्कुलर एंड्यूरेंस होता है जिन चीजों में आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह के काम होते हैं वो कितने एक्सटेंट तक आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम पुशअप्स करते हैं या सिटअप्स करते हैं तो हमें कोई रेपिटेटिव टास्क अगर करना होगा, ठीक है, तो वो रेपिटेटिव टास्क आप कितने अच्छे से कर सकोगे, कितने पुशअप्स आप एक साथ कर सकोगे, तो वो बताता है आपकी मस्क्यूलर एंड्योरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी होता है बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल, आप खड़े हो जाओ अपने टोज टच कर पाते हो कि नहीं, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। बॉडी कंपोजिशन होता है कि बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, मसल्स कितने हैं, ऐसा बोला जाता है ना, ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें वेट रिड्यूस करना है क्योंकि वेट में आपके फैट मसल्स वाटर वगैरह सब आता है, हमें हमारा टारगेट होता है फैट रिड्यूस करना, फैट रिडक्शन, ठीक है। तो फैट कितने परसेंटेज होगा, मसल्स कितनी होंगी, वो सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि फिटनेस हमारी किस लेवल की है। तो 5 कैटेगरीज में इसको यूजुअली डिवाइड किया जाता है। फिर हो गए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने 5 बेसिक फूड ग्रुप्स, तो 5 बेसिक फूड ग्रुप्स कौन से हैं, सीरियल ग्रीन एंड प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड शुगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस लेक्चर में आप जाना, एक चार्ट सा मैंने आपको वहां पे दिया हुआ है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट हमें किस चीज से मिलता है वो वहां पे लिखा हुआ है, वहां से आप वो कॉपी कर सकते हो। फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स एट एडोलसेंस यूजुअली क्या होता है, एंड ज्यादातर फीमेल्स में देखा गया है, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एंड एक को बोलते हैं बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसको हम बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, कि ऐसा होता है ना कि ऑल्दो आप फिट हो, आपका वेट वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको लगता है कि नहीं अभी भी वेट कम करने की जरूरत है मुझे, ठीक है। तो वो बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं, ऑल्दो कि आपको सब कहते हैं कि आप ठीक हो लेकिन आप वो मानने को तैयार नहीं होते, तो जब एक लेवल क्रॉस कर जाती है ये चीज, ठीक है, तो आप मेंट तो वो जो इंसान होता है इस चीज इस प्रॉब्लम में होता है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली अनस्टेबल थोड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको फिर साइकाइट्रिस्ट के पास थेरेपीज देने की जरूरत पड़ती है, तो एक मेडिकल कंडीशन है वो जो हो जाती है उस इंसान के साथ ही। फिर बुलिमिया क्या हुआ, ये भी एक ऐसी ही कंडीशन है, आप क्या करते हो इसमें जो इंसान इन्वॉल्व होता है बुलिमिया में वो क्या करता है, पहले तो बिंज ईटिंग करता है कि मतलब ऐसे खाता जाता है, ठीक है, फिर वो गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है, उसको गिल्ट हो जाता है अंदर की मैंने बिंज ईटिंग की है, तो फिर वो क्या करता है, वो वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जो है उसकी कोशिश करता है कि वो मुंह में उंगलियां डाल के क्या करेगा, वॉमिटिंग करने की कोशिश करेगा ताकि उस जो मैंने एक्स्ट्रा खाया है वो जल्दी से मैं वॉमिट करूं एंड फिर से मेरा जो वजन है वो ना बढ़े, फाइन, एक बार उस कंडीशन से निकल गया, फिर इस साइकिल की तरह ये प्रॉब्लम चलती है, फिर वो फिर से बिंज ईटिंग करने की कोशिश करेगा, ज्यादा खाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से गिल्ट में आ जाएगा कि मैंने कुछ ज्यादा खाया है,
ठीक है, उसके बाद फिर से गिल्ट में आ जाएगा, फिर से क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जो है वो करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ताकि खाना वॉमिट हो जाए एंड ये साइकिल जो है कंटिन्यू होता है। तो इसको बुलिमिया बोलते हैं, ज्यादातर किसमें देखा गया है, फीमेल्स में देखा गया है, ये भी मेडिकल कंडीशन है एंड इसको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरा राइटिंग पैड बार बार स्टक हो रहा है। आगे देखते हैं फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। ठीक है, तो फिजियोलॉजी एंड हेल्थ कैसे रिलेटेड है एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में, इस आगे वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखो, जो फिजियोलॉजी वर्ड है ये निकला है दो ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर एंड लोगोस वी नो, इसका मतलब होता है स्टडी। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम देखें फिजियोलॉजी होता क्या है, देखो हमारी बॉडी काफी ऑर्गन्स की बनी होती है, जैसे आपका हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करती हैं ताकि एक इंडिविजुअल जो है एक स्टेबल हेल्थी लाइफ जी सके, ठीक है, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, दैट इज योर फिजियोलॉजी। यहाँ पे देखते हैं फिजियोलॉजी जो है इसमें क्या होता है, डिफाइंड एज केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ फंक्शंस। ठीक है, तो क्या फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं जब हम एक लाइफ जो है अपनी एक स्टेबल लाइफ जो होते हैं वो जी रहे होते हैं। फाइन, तो क्या फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दौड़ते हैं, मसल्स को एक्टिविटी करवाते हैं, वो सारे फिजिकल प्रोसेसेस हुए। एंड देन बॉडी में केमिकल प्रोसेस लाइक आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है, कहीं पे कुछ हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, कहीं पे जो फूड इंटेक कर रहे हैं हम उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो इंसान की बॉडी में होते हैं उसके अपने ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है, उससे कैसे एक स्टेबल हेल्थी लाइफ जी जी सकता है इंसान, दैट इज योर फिजियोलॉजी। ठीक, तो शॉर्ट में आप इसको ये भी बोल सकते हो, फिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, ठीक है, एंड क्या क्या चीजें अंदर होती है, रिप्रोडक्शन हमें पता है, ठीक, ग्रोथ हमें पता है, मेटाबॉलिज्म एंड आपका जो हम फूड खाते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आपका, दिस इज नथिंग बट इम्पल्स जनरेशन, जो भी हमें काम करना होता है हमारे पहले क्या होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आती हैं, ठीक है, सिग्नल्स पास होती हैं, उसके बाद ब्रेन सिग्नल देता है कि ये काम करो, फिर आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हो ना, अपनी मसल्स को मूव करते हो वो काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक चाय का कप उठा है, चाय का कप है, आपको चाय का कप पीना है, तो आपके ब्रेन से सिग्नल जनरेट हो जाते हैं कि चाय पियो एंड उसके बाद आप अपनी बाजू को हिलाओगे एंड वो चाय का कप उठाओगे, दैट इज योर एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो स्टडीज हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स बोथ व्हेन यू आर हेल्थी एंड व्हेन यू आर नॉट। तो अगर आपको फिजियोलॉजी पता है, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पता है, आपको पता है ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, हार्ट जो है वो कैसे काम करना चाहिए, किडनी जो है वो कैसे काम करनी चाहिए, ठीक है, अगर ये जो ऑर्गन्स है इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इंसान हेल्दी नहीं है, कुछ डिजीजेस है। तो ह्यूमन अगर जब इंसान फिजियोलॉजी पढ़ता है तो उस चीज का भी पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। फाइन, तो स्टडीज हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स बोथ व्हेन यू आर हेल्दी एंड व्हेन यू आर नॉट। बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज एंड फंक्शन देर आर 10 मेजर सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी, या फिजियोलॉजी को हम 10 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है आपका स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हमें पता है क्या होता है, जैसे बोन्स, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, हमारे पास कितने अंदर बोन्स होते हैं, 206 बोन्स हैं, ठीक है, लिगमेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। सेकेंड वन इज योर नर्वस सिस्टम, ठीक है, अब नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो आपको सिग्नल पास करता है कोई भी काम करने के लिए, ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चलता है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में, ठीक है, आपके जो मसल्स हैं दे डू नॉट मूव बाय चांस, उनको बोला जाता है कि आपको ये काम करना है, अकॉर्डिंगली आपके जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं। तो इस सारे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इसके साथ जो भी नर्व्स अटैच्ड होती हैं वो, ठीक है, फिर आगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमें पता है जो सारी डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्बिंग एंड ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सांस लेना, हमने ऑक्सीजन लिया है एंड CO2 रिलीज किया है, वो सारा प्रोसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब तो हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और हमने खाना खाया, उसकी एनर्जी ब्रेक डाउन होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो ग्लूकोज वगैरह चला गया, देन वो सर्कुलेट होना चाहिए, हर सेल तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए एंड वो कैसे होता है, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ये ऑर्गन सिस्टम है इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, आपकी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज,
आर ट्रीज मीन्स कैपिलरीज एंड हार्ट. ठीक है, तो मैंने डिटेल में वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिटेल लेक्चर्स में देख सकते हो. यहाँ पे बस हम क्विकली रिकैप कर रहे हैं. एंड दिस वन इज अ लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, देखो हमारी सेल तक सब कुछ, ये मैंने कहा आपको, ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट जो है हर जगह पहुंचाने होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जहां तक वो नहीं, जहां तक हमारा जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो नहीं पहुंचते हैं. तो वहां पे क्या काम आता है आपका, लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें एक कलरलेस फ्लूड होता है इसके अंदर जिसको हम लिम्फ बोलते हैं. वो क्या करता है, वो कैरी करता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू उन जगहों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जिन जगहों तक अदरवाइज नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पहुंचा पाता है. तो इसमें आते हैं लिम्फ फ्लूइड हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गए, ठीक है, WBCs एंड लिम्फ ग्लैंड्स, वो सारे किसके पार्ट हैं आपके, लिम्फेटिक सिस्टम के. फिर है नर्वस सिस्टम, हो गया था, अच्छा ये रिपीट हो गया. यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मस्क्यूलर सिस्टम है जो सारे आपके मसल्स वगैरह बनी हुई है. ठीक है, दैट इज योर मस्क्यूलर सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम वो प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो सिग्नल्स पास करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है न्यूरो ट्रांसमीटर्स ड्रग वाले चैप्टर में. ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. इसीलिए अगर किसी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना होता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता है जो किसमें काम आता है, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सारा फीमेल अलग होता है मेल अलग होता है. एंड इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट, ये क्या करता है डिफेंस प्रोवाइड करता है. ठीक, तो जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो उतना कम बीमार पड़ता है. अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बाद, वो फैक्ट्स आप PDF से देखोगे. जैसे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं, ठीक है, एक एडल्ट बॉडी जो इट कंसिस्ट ऑफ 60% वाटर, ब्रेन जो है ये कंज्यूम करता है 20% ऑफ बॉडीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड एनर्जी. ह्यूमन बॉडी की अप्रॉक्सीमेटली 600 मसल्स होती हैं. एक ह्यूमन हार्ट जो है वो 5 लीटर्स ब्लड जो है 5 लीटर ब्लड पर मिनट एट रेस्ट पंप करता है. ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें और भी हैं, कुछ फैक्ट्स वो आप PDF से देख लोगे, वो सिंपल वन लाइनर्स है, उसमें पढ़ाने जैसा एज सच कुछ नहीं है. फिर ये देख लो, थेल्स ऑफ मिलेटोस जो है फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है अराउंड 600 BC. ठीक है, तो जो मिलेटोस है टर्की का एक दूर एक शहर है, वहां के जो थे थेल्स उनको बोला जाता है फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट. लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट जो है वो किसको कंसिडर किया जाता है, विलियम हार्वे को. फाइन, एंड हर्मन बुशेव जो है ये इन्होंने क्या कहा था फिजियोलॉजी को, एज अ साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस. एंड एल्ब्रेट वॉन हेलर जो है इन्होंने लिखी थी पहली टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी. तो ये कुछ नाम है, इंटरनेट पे नाम में कंफ्यूजन है, लेकिन ये जो नाम है आपके इग्नू नोट्स पे दिए हुए थे, तो स्टैंडर्ड मटेरियल हो जाता है जहाँ पे इग्नू पे जो लिखा होगा वो, क्योंकि बुक्स जो है वो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं तो वो ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है. एंड कल को अगर PDF आंसर की में भी कुछ गड़बड़ होती है तो फिर रिप्रेजेंटेशन जब वगैरह जब देते हैं ना, तो जो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है वो कंसिडर नहीं होती है उस टाइम पे. NCERTs एंड ये स्टैंडर्ड बुक्स इग्नू मटीरियल वगैरह इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वही ऑथेंटिक मानी जाती है. तो टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी देखते हैं. वायरल फिजियोलॉजी जो है ये क्या काम करता है, वायरल फिजियोलॉजी ये डील करता है विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड जो एक्टिविटीज ऑफ वायरसेस की होती हैं. सिंपल, ये वायरसेस का काम देखता है. बैक्टीरियल फिजियोलॉजी क्या करता है, ये फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया देखता है. फाइन, ये देखता है बैक्टीरियल सेल जो है कैसे ग्रो करती हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं. प्लांट फिजियोलॉजी ये सारी ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म डिफेंस जो हमने ह्यूमन का पढ़ा वो सारा प्लांट का देखता है. सेल्यूलर फिजियोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन एंड अमंग द सेल्स. ठीक है, तो सिंपल है नाम, देखो वायरस हो गया, बैक्टीरियल हो गया, प्लांट्स हो गया, तो ये सेल्यूलर जो सेल की चीजें हैं, इंट्रा सेल्यूलर कम्युनिकेशन बिहेवियर वगैरह ये वो सारी चीजें देखता है. मेन हमारा जो यहाँ पे काम है वो देखना है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, अगेन जो हमने अभी देखा ये बताता है साइंस ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है फिटनेस में एंड इलनेस में. तो हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क वो सारा कौन देखता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी. एंड ये जो तीन टाइप्स हैं यहाँ पे, सेल, स्पेशल, सिस्टमैटिक एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइप्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम को करेक्ट कर लेना, ये फिर आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइप्स हैं, सेल, स्पेशल, सिस्टमैटिक एंड पैथोफिजियोलॉजी. सेल फिजियोलॉजी क्या करता है, मेन फील्ड है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स, स्पेशल
स्पेशल फिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी जो है ये डील करता है विद द फिजियोलॉजी, विद द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम्स, जैसे कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर जो आपके हार्ट के रिलेटेड होता है, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. तो सारे जो केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, वो सारी चीजें ये स्टडी करता है सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या देखता है, ये देखता है इफेक्ट ऑफ डिजीजेस क्या होता है, इफेक्ट ऑफ डिजीजेस ऑन ह्यूमन बॉडी और द ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, अब देखो एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू बनने का चांस है कि जैसे आपको डेफिनेशन दी हो एंड बोला हो ये कौन से टाइप ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सेल फिजियोलॉजी एंड स्पेसिफिक, सेल फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी अगर आप गेस कर पाओ, सिस्टमैटिक एंड स्पेशल जो है ये याद रख लेना, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि फाउंडेशन है हमारी लाइफ की, जिसपे हमारी लाइफ की सारी नॉलेज बिल्ड है, क्योंकि ये आपको बताता है कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है. तो फाउंडेशन ऑफ लाइफ हो गया, ये ट्रीट करता है डिजीजेस, डिजीजेस ट्रीट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब एक बॉडी की समझ होगी तो ही पता होगा कि कौन सी बीमारी को कैसे, एटलीस्ट बीमारी की अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से आती है. फिर क्या होता है, इट्स की इंटीग्रेशन होती है बाकी फील्ड के साथ, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वगैरह, तो वहां से फिर जो है मेडिसिन दी जा सकती है. लेकिन पहले ट्रीट डिजीज को ट्रीट करने के लिए डिजीज का डायग्नोज करना जरूरी है, एंड डॉक्टर को डिजीज डायग्नोज करने के लिए आपकी बॉडी की समझ होना जरूरी है. ठीक है, तो ये कोप करने के लिए हेल्प, ये हेल्प करता है स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जब पूरी समझ होगी तो ही इंसान स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेगा. हाउ टू डील विद वेरियस एबनॉर्मलिटीज ऑफ द बॉडी, तो ये सारी चीजें जो है ये हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, वहां से आती है. अब हेल्थ प्रमोशन, अब देखो फिजियोलॉजी एंड हेल्थ का डायरेक्ट आपस में कनेक्शन है, क्योंकि फिजियोलॉजी आपको बताता है हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स. तो फिजियोलॉजी से हमें पता चलता है हार्ट हेल्थ हमारी जो है वो कितनी कैसी रहनी चाहिए, बाकी जो हमारी लंग्स हैं वो कैसे काम करने चाहिए, ठीक है, किडनीज कैसे फंक्शन करनी चाहिए. तो ये सारी आपकी बॉडी सिस्टम्स का समझ होना आपको हेल्प करेगा हेल्थ को प्रमोट करना. ठीक है, जैसे इन सब चीजों से आपको ये पता चलेगा अगर आपका बीपी जो है वो किस लेवल का होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल किस लेवल का होना चाहिए, तो ही आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे, फाइन, एंड उनको उस लेवल का मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है. तो इसीलिए जो फिजियोलॉजी एंड हेल्थ प्रमोशन है, ये दो टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है, इसीलिए सिलेबस में इन्होंने आपको एक साथ दिए हुए हैं. हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल चेंज देयर लाइफस्टाइल टू मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, ताकि ऑप्टिमल हेल्थ इंसान अचीव कर सके थ्रू कैसे, चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल. अब देखते हैं अप्रोचेस टू हेल्थ प्रमोशन, इसमें पहला है प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच. ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच इज नथिंग बट योर फिजियोलॉजी, ये क्या देखता है, देखते हैं फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी फिट है कि नहीं, फाइन, हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, किडनी लिवर वगैरह ये सारी चीजें, लंग सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं. अगर नहीं कर रहे हैं उनको बेटर करने के लिए क्या करो, प्रिवेंटिव अप्रोच, लाइक आप पहले से एक्सरसाइज करना शुरू करो, ठीक है, योगा, ऐसी टेक्निक, खाने पीने पे ध्यान देना, फाइन, इससे करके आप अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हो. बिहेवियरल चेंज अप्रोच होता है, बिहेवियर में चेंज लाना, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्मोकिंग करता है तो छोड़ दे, ठीक है, कोई ड्रग्स वगैरह लेता है तो अपने बिहेवियर में चेंज ला के वो सारी चीजें छोड़ दे. सोशल एनवायरनमेंट अप्रोच होता है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बेटर कर सकता है आपकी हेल्थ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आता है, कोई पॉलिसी एक्सरसाइज की, या स्कूल में क्या करो, योगा जो है, ठीक है, योगा टेक्निक्स जो है ये इनकॉर्पोरेट करो, तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है, इंसान जो इंसान की हेल्थ है वो फिट रहती है. हार्म मिनिमाइजेशन अप्रोच क्या होता है, हार्म को आप कैसे रिड्यूस करते हो, इसमें भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफी काम करती है. फॉर एग्जांपल ऐसे एक ये है रूल कि स्कूल के शायद 1 की 2 किलोमीटर्स के आसपास तक कोई भी जो शॉप है वो सिगरेट नहीं बेचेगी, तो ऐसे करके हार्म को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए. जीरो टॉलरेंस अप्रोच क्या होता है कि अगर कोई लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए स्ट्रिंजेंट लॉज बनने चाहिए उनके अगेंस्ट, ठीक है, एंड उनको स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलनी चाहिए. स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दैट मीन्स ऐसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी जो एडवर्स इम्पैक्ट आपके इस पे डालता है हेल्थ पे, ठीक है. तो इसमें यूजुअली वही चीजें होंगी जो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल जंक फूड को खाने के लिए तो जीरो टॉलरेंस अप्रोच नहीं ला सकते हैं ना, एंड जंक फूड से भी सेहत खराब होती है, तो उन चीजों के लिए होगा जो गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट की नजर में लीगल नहीं है. न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट्स एंड द इंटर रिलेशनशिप विद फिजियोलॉजी, क्या न्यूट्रिशनल कॉम्पोनेंट्स हम देखते हैं एंड क्या रिलेशनशिप है उनका फिजियोलॉजी के साथ.
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, हमने कहा न्यूट्रिएंट्स जो है, इसमें आपके दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं MACRO एंड एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपके मैक्रो हो गए, मिनरल्स आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए, मिनरल्स वगैरह आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बॉडी में कम क्वांटिटी में उनकी जरूरत होती है, ठीक। पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोर किस में होते हैं, लिवर एंड मसल्स में, एंड इट इज द सिंपलेस्ट, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या है, ग्लूकोज। एंड इन जो फूड हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉडी फ्यूल्स, ठीक। ये हमने अभी डिस्कस भी किया है पहले, इसमें हम और चीजें थोड़ी देखेंगे। फैट जो होता है, फैट बेसिकली कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं या उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, वो की जगह होती है जहां पे फैट्स जो है वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है। दिस इज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो फैट्स जो है, दे कीप वार्म ड्यूरिंग कोल्ड सीजन, जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, अगर किसी का वजन थोड़ा ज्यादा होता है एंड फैट कंटेंट किसी इंसान में होता है, तो उसको ज्यादा ठंड नहीं लगती है। यूजुअली क्या होता है, घर में लड़ाई होती है ऐसी सिबलिंग्स एंड कजन्स में, कि जिसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है वो कहता है फैन ऑन करो, एंड जो पतला होता है बेचारा उसको ठंड लगती है, वो कहते हैं फैन बंद करो। तो ये सारे स्ट्रगल जो होते हैं, क्योंकि फैट आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड वो एज कुशन भी एक्ट करते हैं इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अगर किसी इंसान में बिल्कुल फैट नहीं है एंड आप उसको मारो कहीं पे भी, ठीक है, बैक पे मारो, बाजू पे मारो, तो उसको ज्यादा लगेगी, ऐसे उसको लगेगा उसकी हड्डी पे डायरेक्टली मारा है। वेयर एज फैट कंटेंट वाले का थोड़ा वो जो फैट है वो इंजरी प्रिवेंट करता है, वो एज कुशन एक्ट करता है कि उसको लगने थोड़ा कम इंटेंसिटी की लगती है। ऐसा नहीं है, आप उसको प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं करना ये, लेकिन ऐसा होता है। प्रोटीन जो है, दे फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स थ्रू देयर अमाइनो एसिड्स, ठीक। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, वो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक चेन की तरह बना होता है, एंड किन चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कभी कभी सल्फर एटम्स से, ठीक है। वो ऐसे चेन की तरह बना होता है एंड ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू बॉन्ड, जिनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, इसमें इतना याद रखो, ये जो एक अमाइनो एसिड है ये आपका बनाता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, फाइन। एंड प्रोटीन क्या काम करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करता है। आपकी सेल्स जो ग्रो करती हैं, वॉर्न आउट हो जाती हैं, बाद में उनको रीग्रो करना होता है, वो काम कौन कराता है, आपके प्रोटीन्स काम कराते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वहां से लिवर में जाते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन फर्दर एंड दे हेल्प इन द रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये चीज हमने देख ली थी पहले ही, ठीक है। एंड प्रोटीन रिच फ्रूड कौन से, फ्रूड्स कौन से होते हैं आपके, मिल्क, चीज, मीट्स, एग, नट्स वगैरह, यहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है। फिर वाइटामिन एंड मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल देख लो। वाइटामिन ए आपको क्या करता है, नाइट विजन के लिए काम आता है, ठीक है। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें 12 कंपोनेंट्स होते हैं जो नर्व ट्रांसमिशन, आरबीसी फॉर्मेशन, स्किन टेक्सचर के लिए काम आते हैं। वाइटामिन सी प्रिवेंट करता है स्कर्वी, वो दांतों की प्रॉब्लम, दांतों से ब्लड वगैरह आना। वाइटामिन डी एंड ई क्या करता है, बोन स्किन डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये न्यूट्रिएंट्स सही से काम करेंगे तो ही जो बॉडी है वो सही से काम करेगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो ही सही होगा अगर सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में मिलेंगे। अगर ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको कम क्वांटिटी में मिले या ज्यादा क्वांटिटी में मिले, तो बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये तो फैट कंटेंट काफी बढ़ जाएगा, फाइन, या तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की समझ होना फिजियोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्होंने आपको ये चैप्टर भी साथ में दिया हुआ है सिलेबस में। देखते हैं हमारा लेक्चर 42। तो लेक्चर 42 स्टार्ट होता है फूड साइंस से। तो साइंस क्या करता है, बेसिकली हमारी क्यूरोसिटी को सेटल करता है, अगर हम सिर्फ साइंस से हमारे क्वेश्चंस को आंसर करता है, तो जब ये साइंस फूड के रिलेटेड होगा तो ये क्या करेगा, फूड के क्वेश्चंस को आंसर करेगा। फूड का कंपोजिशन, ये कहाँ से आया एंड कहाँ फाइनली पहुंचता है, वो सारी चीजें जो है, सारा इंजीनियरिंग जो उसके पीछे इन्वॉल्व है वो समझने में हेल्प करता है। तो इसलिए बोला जाता है डिसिप्लिन इन विच द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंसेज एंड द इंजीनियरिंग आर यूज टू स्टडी द नेचर ऑफ फूड्स, वो क्यों डिटेरियोरेट होते हैं, उसके कॉजेस एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कैसे करता है, जब बायोलॉजी क्या हुआ, ये आपको बताता है कि जो माइक्रोब्स है, माइक्रोबियल ग्रोथ है, जैसे आपके बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ये कैसे आपके फूड पर एक्ट करते हैं। फिजिकल साइंसेस हो गया, इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है। जब हम फूड फिजिक्स क्या इन्वॉल्व हो गया, फॉर एग्जाम्पल फूड को, किसी भी पानी को ले लो, बॉइल करना, तो उसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी। वो सारी चीजें समझना कहाँ से आता है, आपके फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से क्या आता है। अगर आप कोई फ्रूट काट दो, अगर आप एप्पल काटते हो तो कुछ टाइम के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम बोलते हैं इसमें ये ऑक्सीडाइज हो गया,
गया है, फाइन। तो वो सारी चीजें समझना, वो क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो फूड साइंस क्या करता है, फूड में जो बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इनको समझने में हेल्प करता है। एंड इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फूड जो है वो कहाँ से आ रहा है, एक हार्वेस्टिंग साइट से, और आपके प्लेट पे कैसे पहुंच रहा है, उसके पीछे क्या सारी टेक्निकल केपेबिलिटीज हैं, टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीजों को समझना, ताकि हमें नेचर ऑफ फूड पता चले, कॉजेज ऑफ डिटेरियोरेशन पता चले, एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फूड प्रोसेसिंग, की फूड प्रोसेसिंग के पीछे क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें पता चले। तो ये किसका काम होता है, फूड साइंस का, फाइन। एंड जब हम फूड को समझने के बाद उसको, उस टेक्नोलॉजी को फाइनली अप्लाई करते हैं, उसको फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फूड साइंसेस टू सिलेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर हमें कोई चीज को पैकेजिंग करनी है, तो पहले हमें उस चीज के अंदर बायोलॉजिकल एंड फिजिकल क्या प्रोसेसेस होंगे वो पता होना चाहिए, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि फूड कितनी जल्दी स्पॉइल हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसकी जो पैकेजिंग है वो करेंगे। तो जब हम इस फूड साइंस से हासिल की हुई नॉलेज को फाइनली कहीं पे अप्लाई करते हैं, फाइन, उसको हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ फूड इन्वॉल्व स्टडिंग फूड कंपोजिशन, फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कितने क्वांटिटी में जो है वो इन्वॉल्व, वो प्रेजेंट है। फूड प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग हम कैसे फूड की करते हैं, प्रिजर्वेशन हम कैसे उसकी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें किस में इन्वॉल्व होती है, साइंस ऑफ फूड में। एंड फाइनली उसका, उन सब चीजों का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। टाइप्स ऑफ फूड साइंस में देख लेते हैं, फूड केमिस्ट्री, फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेंसरी एनालिसिस, ठीक है। तो फूड केमिस्ट्री क्या होता है, एक लार्ज पोर्शन ऑफ फूड साइंस जो है वो हेल्प करता है समझने के लिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ले लें, आई थिंक C6H12O6 ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इससे हमें आसानी होती है समझने के लिए, अगर हम किसी चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझेंगे वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, फाइन फाइन। ये आपका फूड केमिस्ट्री था। ये फूड इंजीनियरिंग क्या कहता है कि खाना कहाँ से आया, वो सारे फूड प्रोडक्शन पाइपलाइन में क्या क्या चीजें हुई, हमारी पैकेजिंग में कौन से मटेरियल्स यूज हुए, हमने कौन से प्रिजर्व करने के लिए फ्रेशनेस ऑफ फूड कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, एंड फूड हमारा किन हार्वेस्टिंग साइट से आया है, वो सारी चीजें किस में आती है, फूड इंजीनियरिंग में। फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या, जो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो क्या स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, या पैथोजेंस वगैरह, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि उनको स्टडी करके पता चलेगा कौन किस टेम्परेचर पर एक्ट करता है एंड हमारे फूड कैसे उनसे स्पॉइल हो जाता है। एंड सेंसरी एनालिसिस आता है, इवेलुएट करना फूड को बेस्ड ऑन 5 senses, टेस्ट, टच, स्मेल, साउंड एंड साइट। तो इन 5 senses से आप फूड को एनालाइज कर सकते हो, टेस्ट करके बोल सकते हो नमक है कि नहीं, खट्टा मीठा कैसा है, टच करके बता सकते हो कि फूड जो है वो कौन सा होगा, स्मेल करके भी इंसान को पता चलता है, फूड को एनालाइज कर सकता है। साउंड आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो, आपको उसकी आवाज से पता चलेगा जो चिप्स है वो अंदर कितने क्रिस्पी है या वो खराब हो गए हैं। साइट जो देख के आप एनालाइज करो, तो इसके लिए फूड केमिस्ट होते हैं जो इन चीजों को क्या करते हैं, सेंसरी एनालिसिस से आपको बताते हैं फूड को एनालाइज करके कि वो किस टाइप का फूड है। फिर वाइज फूड साइंस इंपॉर्टेंट, फूड सेफ्टी इनहेंस करते हैं। अगेन जैसे हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा, फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके हेल्थ को ये प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है, कैसे करता है, क्योंकि वो ऑर्गन्स को स्टडी करता है, तो हमें पता है कि ऑर्गन्स की जो ऑप्टिमल लेवल है वो हर चीज के कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली जब हम फूड को समझते हैं तो ही हमें पता चलेगा कि उसको कैसे सेफ रखना है, हमें पता होगा कि कौन सा फूड आइटम जो है वो किस टेम्परेचर पे स्पॉइल हो जाएगा, फाइन। उन सब चीजों को हम रोक सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जब हमें न्यूट्रिएंट पता है किसी फूड के, तो ही हम उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करता है कि किन प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं शेल्फ लाइफ फूड की, मतलब कितनी जल्दी वो खराब होगा तो हम कैसे उसके खराब होने के टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज अ शेल्फ लाइफ। किसी चीज की शेल्फ लाइफ होती है कब तक वो चीज फ्रेश रहती है। मैनेजिंग फूड एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज, ठीक है, जब हमने ये सारी चीजें फूड साइंस हमें पता होगा तो ही हमें समझ में आएगा कि कोई इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, वो मिल्क वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकता है, तो उन सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं तभी, अगर हमें फूड के बारे में सारी नॉलेज जो है वो होगी। इनोवेटिव क्यूलिनरी एक्सपीरियंस,
इनोवेटिंग क्यूलरी एक्सपीरियंस। अब देखो ये समझने के लिए आप कॉफी की एग्जांपल समझो। ये बेसिकली होता क्या है कि आप तक खाना कैसे पहुंचता है उसके पीछे कितनी इनोवेशन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफी जो है ये कहाँ पे ग्रो होती है, वहां पे ग्रो होती है उन रीजन में जहां पे एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ती है और बारिश भी काफी ज्यादा होनी चाहिए, तो नियर आपके इक्वेटर वाले रीजन, ठीक है। लेकिन आप हिमालयाज के बीच में बैठ के वो कॉफी पी पा रहे हो तो वो आप तक कैसे पहुंचेगी, उसके उसको आप तक पहुंचने तक कैसे फ्रेश रखना है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो किस में आती है, इनोवेटिंग क्यूलिनरी एक्सपीरियंस एंड एड्रेसिंग ग्लोबल फूड चैलेंजेस, ठीक है। तो ग्लोबल फूड चैलेंजेस जो है ये एड्रेस करेगा, ये आपको बताएगा कि एफोर्डेबल न्यूट्रिशनल फूड ऑप्शंस जो हैं वो कैसे उन एरियाज तक पहुंच सकते हैं जिन एरियाज तक फूड जो है फूड स्केयर्सिटी है या फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स एफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशनल फूड ऑप्शंस। ठीक है, तो फूड साइंस ये क्रिएट नहीं करता है, फूड साइंस आपको ये चीज समझने में हेल्प करता है। फिर इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, इस नॉलेज को आपके पॉलिसी मेकर्स अप्लाई करते हैं, इस नॉलेज को साइंटिस्ट एंड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड एफोर्डेबल क्वालिटी फूड के ऑप्शन जो है वो अंडरसर्व्ड एरियाज जो पुअर पॉवर्टी रिडन रीजन है वहां तक वो ऑप्शन पहुंचाते हैं। फिर आगे देखते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, ये मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं रॉ इंग्रेडिएंट्स को इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रॉ इंग्रेडिएंट है फॉर एग्जांपल आपके पास आटा है, बाद में उस आटे से एक ब्रेड बनना, ब्रेड जो आपको मार्केट में आप लेके आते हो, ठीक है, तो वो एक फिनिश्ड गुड है। ये आपको मार्केट में सेमी फिनिश्ड जैसे डो भी मिलता है, फिर आप उसका केक बनाओ या उसका रोटी उसकी रोटी बनाओ क्या बनाओ वो आपकी मर्जी है, फाइन। तो इन रॉ इंग्रेडिएंट्स को आपके जो वीट है उसको एक ब्रेड बनाना, उस सबके पीछे कौन सी मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व है उसको हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। या रॉ इंग्रेडिएंट मान लो एप्पल है, एप्पल से आपके सामने एक एप्पल जूस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एप्पल जूस जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है एंड जो एप्पल आप पेड़ से तोड़ते हो वो एक रॉ इंग्रेडिएंट है। तो वो सारे उसके पीछे क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं एक रॉ इंग्रेडिएंट को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हार्वेस्ट साइट जहां से चीजें जो हैं वो जिनकी हार्वेस्टिंग की गई हो, ठीक है, फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करना एंड वहां से पहुंचाना, तो फाइनली पैकेजिंग एंड मर्चेंडाइज वो चीज जो है फाइनली मार्केट में लेके बेचना, वो सारी चीजें इसके पीछे इन्वॉल्व होती हैं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट के पीछे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू स्लो डाउन और स्टॉप द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फूड डिके कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हीट, मॉइस्चर एंड सनलाइट, फाइन। तो फूड प्रोसेसिंग में क्या भी आएगा, क्योंकि आपका जो फूड है वो हीट अगर मॉइस्चर या सनलाइट उस पर ज्यादा हो, सनलाइट की वजह से वो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको हवा में जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी जल्दी फूड स्पॉइल होगा। इसलिए गर्मियों में अगर आप खाना बाहर रखोगे तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको विंटर्स में देखो या आप फूड को फ्रिज में रखो, ठीक है। तो ये सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल जिससे फूड का जो खराब होना नेचुरल खराब होना है उस प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकें, वो भी किसका पार्ट आ जाता है आपके फूड प्रोसेसिंग का। अब प्रोसेसिंग देखो, अगर फूड ग्रेन्स की होती है तो जो क्रॉप प्लांट्स है पहले उनकी थ्रेशिंग होती है। अगर आपने कहीं साइट पे देखा होगा वो जो क्रॉप प्लांट्स है उनको पटकते हैं जोर जोर से तो वहां से वो सीड्स वगैरह गिर जाते हैं, दैट इज थ्रेशिंग। बाद में उनके जो हस्क है उसको रिमूव करते हैं, फिर फाइनली पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये किस चीज में होता है, फूड ग्रेन्स के केसेस में। एंड अगर आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं तो उनको क्लीनिंग, वॉशिंग, फिर उनको अलग कर दिया जाता है, फिर उनको साइज के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग हो जाती है, फिर पीलिंग, उनका कवर जो है वो रिमूव करते हैं। ब्लांचिंग क्या होता है, जैसे आपने पानी गर्म किया उसमें फ्रूट को या वेजिटेबल को डिप किया फिर साथ में रिमूव कर दिया, ठीक है, दैट इज योर ब्लांचिंग। एंड फाइनली कटिंग। तो ये सारी ऑपरेशन किस में होती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में, ठीक है। तो एम्स देखते हैं क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग के। प्रिजर्व करना न्यूट्रिटिव क्वालिटी, ठीक है, अगर हम फूड को प्रोसेस करते हैं कई फ्रूट्स फूड्स जो होते हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे अगर आप उनको ऐसे रखोगे तो उनमें डिके काफी जल्दी हो जाएगा, तो उस चीज को रोकना एंड उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको काफी टाइम तक प्रिजर्व करके रखना, वो एम होता है फूड प्रोसेसिंग का। अवेलेबिलिटी, क्योंकि फूड जल्दी स्पॉइल हो जाएगा तो अवेलेबल नहीं रहेगा, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ को हम एक्सटेंड करेंगे, तो उसे वो अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करेगा। प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ, एनहेंस करना क्वालिटी। फूड सेफ्टी, क्योंकि हमारे पास फूड काफी टाइम तक होगा तो फूड सेफ्टी भी आ गई।
एंड स्टोरेज ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कि कैसे अगर एप्पल्स हैं उनको कितने टाइम तक आपको स्टोर करना है, जैसे हमने आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज, किस टेम्परेचर पे आपको किस फूड को स्टोर करना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में आपको फूड लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप हार्वेस्ट साइट से लेकर फैक्ट्रीज तक आप ट्रांसपोर्ट करते हो अपने फूड को, एंड वो ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना, वो सारा किसका एम आता है, फूड प्रोसेसिंग का, एंड जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑब्वियस है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वहां पे एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सारी जो जहाँ पे फैक्ट्रीज ये काम होता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो इससे काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी काम होता है। मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो जो प्रोसेस है जिससे पेरिशेबल फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सूटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर वेस्टेज स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड्स, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपका क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे। अब क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेशन में, पहले हो गया आपका एसेप्सिस, एसेप्सिस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, हमें पता है कि फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, उसकी एक नेचुरल स्टेट में फूड आता है, फॉर एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है, बनाना जो है एक बार आप उसको फील्ड से लेके आओ एंड उसका जो प्रोटेक्टिव स्किन या पील है उसको आप रिमूव करो, उसके बाद वो कुछ ही टाइम में खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक, तो एसेप्सिस क्या डील करता है, प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, दैट मींस माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको आप चाहे वो फूड फ्रेश हो या चाहे प्रोसेस्ड फूड हो उससे कैसे दूर रख सकते हो, ठीक, वो आपका एसेप्सिस है। इसमें क्या जाता है, पैकेजिंग ऑफ फूड जो है वो भी इसका एक पार्ट है कि फूड को आप कैसे पैकेज करते हो, कैसे किन पैकेट्स में किस टाइप से उसकी पैकेजिंग करते हो, ठीक है, कि वो काफी टाइम तक स्पॉइल ना हो, फाइन। एंड आगे देखते हैं ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, देखो अब हमें, मैंने आपको पहले भी बोला मॉइस्चर लेवल जितना ज्यादा होगा माइक्रोबियल ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं, फाइन, तो अगर आप ज्यादा टेम्परेचर में अपना फूड रखो तो वो जल्दी खराब हो जाता है, तो ड्राइंग क्या करता है, जो मॉइस्चर का लेवल है उसको लो कर देता है, उतना लो करेगा जहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो सही से नहीं हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है, दैट इज योर ड्राइंग, ठीक है, वहां से भी करके हम फूड को काफी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्टिंग, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, अगेन चीज वही होती है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाती है, फाइन, एंड जो फूड है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, दैट मीन्स उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। सॉल्टिंग हम कैसे करते हैं, तो सॉल्ट डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं या तो सॉल्ट सॉल्यूशन बना के हम फूड पे डाल देते हैं या फूड को सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, ये डिहाइड्रेट करता है फूड को, आयनाइज टू यील्ड द क्लोराइड आयन, और सॉल्टिंग से क्या हो जाता है, आयनाइजेस टू यील्ड द क्लोराइड आयन, ठीक है, अब क्या होता है जब सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं इसमें आपका Na अलग हो जाता है एंड क्लोराइड अलग हो जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो जो क्लोराइड है ये भी हार्मफुल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ योर माइक्रोब्स या माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, एंड कॉजिंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर श्रिंकिंग ऑफ सेल, ऑस्मोसिस यहाँ पे सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखो बस पानी जो है वो सारा बाहर आ जाता है, ठीक है, एंड उससे क्या हो जाता है, ऑब्वियसली फूड डिहाइड्रेट हो जाएगा एंड प्रिवेंशन काफी टाइम तक होती है, क्योंकि जितना रिटेन करेगा मॉइस्चर फूड उतनी ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। ड्राई सॉल्टिंग मेथड जो है वो हम किसमें यूज करते हैं, किन फूड्स में स्पेसिफिकली, टेमरिन पे, रॉ मैंगो, आमला, फिश मीट, ड्राई सॉल्टिंग होता है सिंपल सॉल्ट यूज करके प्रिवेंट करना, ठीक है, अदरवाइज वाटर भी हम ऐड कर सकते हैं सॉल्ट में, उसको सॉल्ट सोल्यूशन बना के भी हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है ये सारी जो चीजें हैं टेमरिन, रॉ मैंगो, आमला, फिश मीट, तो ये सब साइंस की नॉलेज ना होने से पहले भी लोग ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। शुगरिंग हुआ, वो सारी चीजें जिनको आप सॉल्टिंग से प्रिवेंट नहीं कर सकते जो मीठी होती हैं, ठीक है, उनको हम शुगरिंग से प्रिवेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीट कंडेंस्ड मिल्क, मुरब्बा, जैम्स, जेलीज या कैंडीज। पिकलिंग हमें पता है अचार बनाना, उसमें सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड विनेगर जो होता है उसको ऐड करते हैं एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे डू नॉट ग्रो वेल इन एसिडिक सोल्यूशन। फिर आ गया फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल योगर्ट, चीज, बियर, वाइन। दही कैसे बनती है, उसके लिए बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस,
हमने स्कूल्स में सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, दूध से दही कैसे बनता है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे दही बनती है आपकी, लैक्टोबैसिलस। अगर आप ध्यान दोगे अभी तक हमने जो सारी चीजें पढ़ी, ये आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है जिससे आपका फूड जो है वो प्रिवेंट हो रहा है। जैसे चीज, बियर, वाइन, इन सब में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे दूध है, उस पर अगर जो बैक्टीरिया, आप उसको ऐसे ही रख लो गर्मी में, तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा, दैट इज योर लैक्टोबैसिलस, और वहां से हमें दही मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर फूड प्रोसेसिंग। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या होता है बेसिकली, ये पहले यूज होता था, एक टाइप की कुछ लकड़ियां होती थी स्पेशल टाइप की, उनको जला के वहां पे फूड को रख देते थे, तो जो वहां से लकड़ी के जलने से जो स्मोक उठता था, उससे जो उसका जो केमिकल है उसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड या क्रिसोट, उससे क्या होता था, जो वाटर कंटेंट है फूड का वो कम हो जाता था, फूड डिहाइड्रेट होता था, एंड अकॉर्डिंगली जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाती थी या रुक जाती थी। तो फूड आर एक्सपोज टू स्मोक्स बाय बर्निंग सम स्पेशल काइंड ऑफ वुड, वो कौन से वुड थे, ओक, मेपल, वॉलनट एंड महागनी, ठीक है, हिकरी। एंड ये हम फ्लेवरिंग के लिए भी यूज करते हैं, जैसे स्मोक्ड फूड हम खाते हैं, स्मोक्ड चिकन खाते हैं, तो वो भी किसका पार्ट है आपके, स्मोकिंग का ही, एंड दिस अ टेक्निक यूज इन फूड प्रोसेसिंग। ये काफी पहले यूज हुआ करती थी। कोल्ड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन करते हैं, किसी एक डिग्री तक फूड को फ्रीज किया जाता है ताकि वहां पे एक बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो एंड फूड प्रिजर्व रहे। तो मैकेनिकल अमोनिया रेफ्रिजरेशन, यहाँ पे अमोनिया यूज होता था एज रेफ्रिजरेटिंग एजेंट। ये कब इन्वेंट हुआ था, 1875 में, अलाउड डेवलपमेंट एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेटिंग वेयर हाउस एंड फ्रीजिंग। तो वहां ये जब डेवलप हो गया, तो वहां से इसको कमर्शियली एज अ बिजनेस ये कोल्ड प्रिजर्वेशन टेक्निक जो है वो शुरू हो गई। अब यहाँ पे स्टोरेज टेम्परेचर के अलग अलग नाम है कि कितने टेम्परेचर तक आपको कौन सा फूड जो है वो स्टोर करना है। सेलर स्टोरेज टेम्परेचर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये यूज होते हैं प्रिजर्व करने के लिए रूट क्रॉप्स, पोटेटोज, अनियंस वगैरह। देन इज योर रेफ्रिजरेटर और चिलिंग टेम्परेचर, दिस इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से हम प्रिजर्व करते हैं मीट, पोल्ट्री, फिश, एग एक्सेट्रा को। एंड फ्रीजिंग जो है, जिन फूड को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हमें सेव करना होता है, दैट इज -18 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक यूज होता है, उन टाइप ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए काफी लंबे टाइम तक, दैट इज पोल्ट्री, मीट, फिश एंड आइसक्रीम, ठीक है। फ्रीजिंग से रिलेटेड और कुछ टर्म्स देख लो यहाँ पे, फास्ट फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग एंड फ्रीज ड्राइंग। फास्ट फ्रीजिंग क्या होता है, जैसे जल्दी जल्दी आप बहुत ही लो टेम्परेचर के लिए, कुछ कम टाइम के लिए, कोई लो टेम्परेचर में आप फूड को रख लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -300 या -200 डिग्री सेल्सियस, काफी ज्यादा कम है, उसमें कुछ सेकेंड्स के लिए किसी फूड को रखो, तो दैट इज अ फास्ट फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए आप फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हो ये टेम्परेचर। एंड फ्रीज ड्राइंग यहाँ पे देख लो, फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, बेसिकली आप फूड को फ्रीज कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, वो आइस ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे छोटे छोटे, जैसे आप मीट को फ्रीज कर रहे हो, तो मीट में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट फ्रीज होने से आइस ड्रॉपलेट्स बनते हैं। फिर बाद में क्या करना है आपको, वो आइस ड्रॉपलेट को रिमूव करना है, मॉइस्चर कंटेंट को हटाने के लिए वो आप रिमूव करते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये जो आइस ड्रॉपलेट्स है इनको डायरेक्टली वेपराइज करते हो विदाउट कन्वर्टिंग देम इंटू लिक्विड, ठीक है, वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाएंगे। सब्लिमेशन से सॉलिड से डायरेक्टली आप गैसियस स्टेट में आ जाते हो, लिक्विड स्टेट जो है स्किप करते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग, आप डायरेक्टली उसको मशीन्स में डाल के, उनके लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं, वो जो आइस ड्रॉपलेट्स है उनको डायरेक्टली वेपराइज कर देते हो। नेक्स्ट इज योर हीट प्रिजर्वेशन। अभी तक हमने कोल्ड प्रिजर्वेशन पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा रिड्यूस करते हैं, इतना रिड्यूस करते हैं कि वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो हीट प्रिजर्वेशन में क्या करेंगे हम, माइक्रोबियल ग्रोथ को कैसे यहाँ पे रोकेंगे, बाय इंक्रीजिंग द हीट, ठीक है। तो ये किल किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये ऑल्टर करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को, डिस्ट्रॉय करता है कोई भी एंजाइम एक्टिविटी को, दैट मीन्स आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें क्या क्या प्रोसेस आते हैं आपके, पास्चराइजेशन या मिल्क स्टेलाइजेशन, कैनिंग एक्सेट्रा, वो हम देखते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है बेसिकली, कि बिलो 100 रखना, लेकिन काफी ज्यादा, बिलो 100 भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। उतने टेम्परेचर पे आप क्या करते हो, फूड को आप हीट अप कर देते हो, उसके बाद उसको कूल करोगे। इससे क्या होगा, इट किल्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, बट किल्स अ पार्ट, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस फूड को प्रिवेंट करने के लिए, उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है।
फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाइन, बियर, फ्रूट जूसेस वगैरह को उनको उनकी पास्चराइजेशन होती है। अगर आपने देखा होगा अमूल या मदर डेयरी का मिल्क आता है, उस पर UHT लिखा होता है। UHT क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे उसको क्या कर देते हो, हीटअप कर देते हो फूड को, एंड उसके बाद उसको क्या करते हो, कूल करते हो। जो मिल्क है उसके लिए आप 63 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करो फॉर 30 मिनट्स, या 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, या इन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दैट इज 138 डिग्री सेल्सियस के में फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, उतने टाइम के लिए मिल्क को हीट करो, फिर बाद में कूल करो। उसके बाद जब घरों में आपके आता है अमूल या मदर डेयरी का वो जो पैक्ड वाला ये होता है मिल्क, उसको रीहीट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, बॉइलिंग होता है जो फूड का, वाटर में बॉईल करते हो, वाटर किस डिग्री पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कैनिंग होता है, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस बेसिकली आप क्या करते हो कैनिंग के प्रोसेस में, कि कैन कर देते हो फूड को, एक आप उनको हीट करते हो फूड को एक एयर टाइट जार्स में, या उनको कैंस बोलते हैं, एंड वहां पे वो सेव रहते हैं। उतना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, एंड सारे जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाए। ठीक, तो किस टेम्परेचर को, किस फूड को कौन सा टेम्परेचर देना है, वो डिपेंड करता है कौन सा फूड कितनी जल्दी स्पॉइल होता है, या कौन सा फूड किस टेम्परेचर पे स्पॉइल हो जाता है, उसी हिसाब से आप क्या करते हो, उसको ट्रीट करते हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ये बेसिकली क्या करता है, जो लिक्विड आपका लिक्विड क्वांटिटी होती है फूड में उसको रिड्यूस कर देता है। फाइन, जैसे टोमेटो की जगह टोमेटो पेस्ट रख बना दिया, या फ्रूट जूस कंसनट्रेट बनाया, इससे क्या होता है जब वाटर क्वांटिटी कम होगी तो उनका वॉल्यूम एंड वेट जो है ये भी रिड्यूस हो जाता है। कार्बोनेटिंग, कार्बोनेटिंग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिजोल्व कर देते हैं अपने फूड में अंडर प्रेशर। फाइन, तो जैसे आपके पास फिजी ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उनमें कार्बोनेटिंग हुई होती है। फिर कुछ फूड एडिटिव्स होते हैं। फाइन, ये मैंने आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसका, उसमें टेबल 10.4 है, वो लास्ट में वो टेबल है उसके, तो वहां से आप देख सकते हो वहां पे कौन सा प्रिजर्वेटिव, फिर बाद में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होता है, उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो अगर टाइम होगा गो थ्रू दैट टेबल, वो डिटेल में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कभी एग्जाम में डायरेक्टली प्रिजर्वेटिव का नाम पूछ के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे और एक बात याद रखना, वो शायद नोट्स में ऐड करना भूल गया है, ये जो हमारे फूड प्रिजर्वेशन में जो हम सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जो एडिटिव्स जिनको बोलते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। पहले हो गए आपके फर्स्ट कैटेगरी वाले, हो गए आपके शुगर, सॉल्ट या विनेगर, शुगर सॉल्ट विनेगर, आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड अल्कोहल, इनको हम बोलते हैं क्लास वन प्रिजर्वेटिव्स। क्यों इनको क्लास 1 अलग क्यों कैटेगराइज किया है, क्योंकि दे आर रिलेटिवली सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो जो सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हैं आपके बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड कुछ न्यूट्रलाइजर्स, न्यूट्रलाइजर्स, ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह। ठीक है, इनको क्लास 2 प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। ये क्लास 2 प्रिजर्वेटिव भी ये होते हैं, फिट होते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, दे आर कंसिडर्ड सेफ फॉर ह्यूमंस, लेकिन विद इन परमिसेबल डोजेस, दैट मीन्स एक रिकमेंडेड डोज से अगर आप इनकी क्वांटिटी बढ़ाओगे तो वो ह्यूमन के लिए सेफ नहीं रहते हैं। फाइन, तो हमारे पास फूड रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो देखती हैं कि इन सब प्रिजर्वेटिव की कंसेंट्रेशन कहीं ज्यादा तो नहीं है। तो फूड इराडिएशन, अगेन ये भी आपका फूड प्रिवेंशन स्टरलाइजेशन टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, फूड जो होता है उसको हम उन फूड पे हम क्या डालते हैं, हाई एनर्जी रेज, जिनको गामा रेज बोलते हैं, गामा, दिस इज गामा, ठीक है, गामा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई जैसा। तो एग्जाम में अगर सिर्फ ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये क्या करता है, उतना टेम्परेचर देते हैं, उतनी हाई एनर्जी रेज देते हैं कि बैक्टीरिया फंगस वगैरह क्या होता है खत्म हो जाता है, एंड जो डिले करता है फ्रूट राइपनिंग, दैट मीन्स फूड फ्रूट जो है वो कितनी जल्दी सड़ जाता है या कितनी जल्दी पूरा पक जाता है, उसका टाइम को भी एक्सटेंड करता है। और इसका बेनिफिट होता है, एक बार ये अगर फूड आपने कैन कर लिया है या आपने जो फूड है अपने पैकेट्स वगैरह में डाला है, उसके बाद भी ये रेडिएशन मेथड जो है यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए यूज होता है, कोबाल्ट 60 और सीजियम 137, तो ये भी याद रख लेना। एंड ऑल्सो ऑल्टर्स द फूड एंड ऑल्सो आफ्टर द फूड इज पैक्ड एंड सील्ड, ये तब भी यूज हो सकता है, दिस इज योर फूड इरेडिएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 42nd लेक्चर खत्म हुआ था आई गेस, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम जितना हमारे 4 लेक्चर्स और बचे हुए हैं सिलेबस
फिनिश होने में यूनिट 5 के, तो वो सेकेंड पार्ट ऑफ मैराथन में मैं लेके आऊंगी। तो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो, पुराना रिवाइज करते रहो। अभी तक आपके जितना मैंने अपलोड किया है, जितना टाइम गैप आपको दिया है, आई होप आपने रिविजन बहुत अच्छे से किया हो, ठीक है। तो मैं एमसीक्यू भी लेके आऊंगी एंड सारा आपका जो है टाइम पे हो जाएगा। बस जितने टाइम में नहीं आता है उतने टाइम में आप क्या करो, रिवाइज करो। अब इस लाने में मुझे टाइम भी इस वजह से लग गया क्योंकि जस्ट रियलाइज कि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ पहले, फिर उसका वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाती, जल्दी से मैराथन सीरीज कंप्लीट हो गई होती। लेकिन मुझे लगा हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अभी बेनिफिशियल रहेगा, तभी मैंने ये सारा खुद से लिखा है। एंड इट टेक्स टाइम, लेकिन वो जो टाइम है वो आपके लिए कोई बुरा टाइम नहीं है क्योंकि वो आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा रिविजन के लिए। तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।